नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए हम बता देते हैं कि आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की जो भर्ती आई है उसी को लेकर हम ये वीडियो लाए हैं। उसमें हम आपको पूरा विस्तृत जानकारी देंगे कि उसमें क्या मांगा गया है, एज क्राइटेरिया क्या है, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करें। उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफाई बटन पर भी क्लिक करिए, जिससे हम जब भी कोई नया वीडियो बनाए तो उसकी जानकारी आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको एमपी हाई कोर्ट की साइट पे आ जाना है। ये हम एमपी हाई कोर्ट की साइट खोलेंगे। एमपी हाई कोर्ट की साइट की लिंक है mphc.gov.in। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ रिक्रूटमेंट सेक्शन पे। ये रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाएंगे। इसके बाद सबसे ऊपर ही दिया है एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट हाई कोर्ट। हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमें ये 11 पेज की एक पीडीएफ मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये 11 पेज की पीडीएफ है। इसकी लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और चलिए हम बता देते हैं, ये फॉर्म भरने की प्रारंभ तिथि आज ही है। 3 तारीख से 12 बजे से ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे और जो अंतिम तिथि रहेगी वो 23 तारीख को रात को 11:55 पर रहेगी। और आप आवेदन में त्रुटि सुधार की तिथि रहेगी 28 तारीख से और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि रहेगी 30 दिसंबर 2022। इसमें आपका पेपर किस तारीख को होना है ये अभी सूचित नहीं किया गया है, ये बाद में जारी किया जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं जो जूनियर जुडिशियल के पद हैं वो 21 जनरल कैटेगरी के हैं, 4 पद ओबीसी के हैं, 7 पद एससी के हैं और 8 पद एसटी कैटेगरी के रहेंगे। जनरल में जो 21 पद रहेंगे उनमें से 2 फिजिकली हैंडीकैप के पद को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं जो आपसे अर्हता मांगी गई है वो ग्रेजुएशन आपका होना अनिवार्य है। साथ ही साथ हिंदी मुद्रलेखन या अंग्रेजी मुद्रलेखन टाइपिंग बोर्ड से आपको दोनों ही टाइपिंग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सीपीसीटी क्वालिफाइड हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना भी अनिवार्य है। जो आयु की गणना की गई है वो 18 वर्ष से 35 वर्ष तक ली जाएगी और इसको 1 जनवरी 2022 के हिसाब से देखा जाएगा। आप देख सकते बीएससी बीकॉम जिसमें एक विषय कंप्यूटर के साथ है उसको मान्य नहीं किया गया है, जबकि बीई एमसीए बीसीए एमएससी और बीएससी आईटी इन सभी को 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा के लिए मान्य किया गया है। और आपके पास सीपीसीटी का स्कोर कार्ड भी होना अनिवार्य है, तो आप सीपीसीटी अगर क्वालिफाइड हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसमें आप बता देते हैं मध्य प्रदेश के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनको अपना फॉर्म जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करके भरना पड़ेगा तथा जो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं वो अपनी जाति के हिसाब से जो भी उनकी जाति लगती है उस हिसाब से वो फॉर्म भर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें लिखा है 2 से अधिक संतान वाले उम्मीदवार इस नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होंगे। इसी प्रकार से किसी भी अभ्यर्थी जिसकी 1 से अधिक जीवित पत्नी या पति है वो भी ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये पूरी जानकारी है, इसको हम पूरा लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल देंगे तो आप इसको वहाँ से अच्छे तरह से रीड कर लीजिएगा। फॉर्म भरना आज से ही प्रारंभ हो रहे हैं। अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखिएगा, हमारे द्वारा बता दी गई है आपको सभी। हम आपको ये भी बता देते हैं कि पेपर में आपसे क्या पूछा जाएगा। इसमें आपको हम बता दें जो जनरल कैटेगरी अनारक्षित वर्ग से जो फीस ली जाएगी वो 777.02 है और जो आरक्षित वर्ग से फीस रहेगी वो 577 रुपये लगभग लिया जाएगा। आप देख सकते हैं ये पूरी लिंक भी दी गई है, हम पूरी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जहां से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरना 12 बजे से चालू हो जाएंगे। आपसे जो पेपर में लिया जाएगा वो हिंदी टाइपिंग रहेगी 300 शब्द की, इंग्लिश टाइपिंग रहेगी जिसमें 350 शब्द रहेंगे और आपसे एक कंप्यूटर का और जनरल इंग्लिश का एक 20 अंक का पेपर होगा। टोटल 100 अंक का आपका ये पेपर होगा। इस पे आपसे रिटन एग्जाम में मात्र 20 नंबर का इंग्लिश है, बाकी टाइपिंग बेस आपका ये पूरा पेपर रहेगा। तो फॉर्म भरने से पूर्व आप पीडीएफ का अवलोकन जरूर कर लीजिएगा।
हमारे द्वारा संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। बाकी की जानकारी आप पीडीएफ का अवलोकन करके देख लीजिएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जुड़े रहिए आप निखिल कंप्यूटर से। इसी साथ मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।